गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया आपका 31 जुलाई। बहुत दिनों के बाद मैं ये मॉर्निंग का ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाद की बातें बाद में, ओके। तो दोस्तों अभी आपका करीब रात के 10 बज चुके हैं और मैं अपना जो है आपका लेट नाइट जो मैं अपना ब्लॉग कर स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग एक बार टाइम देख लीजिए, ओके। तो यहाँ देखिए 10:08 हो गया और मैं अपने यहाँ पे कुछ न्यूज़ देख रहा था और कुछ अपना वर्क भी कर रहा था, ठीक है। और तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा कि बिजनेस क्या होता है। आप लोग भी हमेशा सुनते आ रहे होंगे, या तो बिजनेस करो या जॉब करो, बचपन से ही बरतर या तो हमारे माता पिता कहते हैं, या हमारे आस पड़ोस के कोई कहते हैं, या हमारे फैमिली में कोई कहते हैं, या स्कूल में टीचर कहते हैं। मतलब हर जगह अगर कभी भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा यही कहा गया है कि जॉब करेंगे या बड़ा होगा या बिजनेस करेंगे। अब देखिए जॉब का तो सबको पता ही जॉब क्या होता है, बिजनेस जो मैं थोड़ा बहुत इतने दिन के दिनों में अभी जितना भी मेरा एज है उसके आधार पर मैं अपने से जितने भी मैं सोच पाया समझ पाया या मेरी जितनी भी छोटी सी दिमाग है उस दिमाग के अंदर से मैं जितने भी मेरा विचार आया उस आधार पर मैं बताना चाहूँगा। बिजनेस जो है ना, बिजनेस में एक्चुअली सब सक्सेसफुल क्यों होते, सब नहीं होते हैं एक्चुअली, मैं भूल का मतलब जो भी होते हैं वो भी मतलब बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट जॉब से कोई भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता या उतना रिच नहीं हो सकता, उतना अमीर नहीं हो सकता। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी जो दुनिया है ना उस दुनिया का भी कुछ नियम है, भगवान ने भी कुछ नियम बनाए। एक्चुअली नियम क्या है कि जब भी आप किसी का हेल्प करेंगे या किसी का समस्या का समाधान करेंगे तो इससे क्या आपका भी उन्नति होगा, इससे आपका भी उन्नति होगी। ये चीज बिल्कुल ही सही है, ये मैं आजमा के देख चुका हूँ। अब बिजनेस होता क्या है, आप लोग अब देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस में आप क्या काम करते हैं, किसी भी औरों का काम करते हैं। बिजनेस में तो आप खुद का काम नहीं ना करते हैं, आपने एक शॉप खोला, एक कंपनी खोली या जो कुछ भी, तो आप हमेशा दूसरों का ही काम आपके पास आता है, आप उसी काम को करते हैं। मतलब आप उनका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो भी उनका समस्या उनका समाधान कर रहे हैं, या उनको जो चीज़ की जरूरत है आप उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो जिसके बदले वो आपको एक चार्ज देते हैं या थोड़े से पैसे देते हैं। तो यही चीज़ है बिजनेस। इसीलिए भगवान ने क्या किया, जब भी आप किसी का भी हेल्प कीजिएगा भगवान आपका हेल्प करेगा हमेशा। अगर आप किसी को दान दीजिएगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो इसी आधार पर जो बिजनेस है ना, वो जब भी आप बिजनेस करते हैं आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में जिनका जो भी अच्छे सच्चे तरीके से करते हैं या सच्ची मेहनत करते हैं उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं और सुखी संपन्न हो जाते हैं। बट यही जो अगर छल कपट से बिजनेस चलाते हैं तो उनका बिजनेस भी डूब जाता है। तो यही डिफरेंसेस होता है।